बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमारा लेक्चर है अलाइड हेल्थ साइंस स्टूडेंट्स के लिए। ये सेकंड लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर हो चुका है और इस लेक्चर में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे ये मामला। सो वी विल टॉक अबाउट द वेसल टाइप्स इनिशियली, और उसके बाद हम बात करेंगे हीमोडायनामिक्स की, और ये बाकी जो तीन चार स्लाइड्स हैं ये हीमोडायनामिक्स का है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपको एक इसकी वीडियो भेज चुका हूं और वो काफ़ी डिस्क्रिप्टिव वीडियो है, उसमें मैंने सारी बातें ही डिस्कस की हैं। और बच्चे अभी भी आ रहे हैं इस स्लाइड मैं इसको इस स्लाइड में करना चाह रहा हूँ कि मैक्सिमम हमारा इंटरेक्शन हो, ठीक है। इसीलिए मैंने जूम को स्विच किया था किया है। तो वी विल मैं साथ साथ देखता जाऊँगा जो बेहतर होगा, हम यूट्यूब लाइव भी जाएंगे और इसको भी, लेकिन मेरा ख्याल ये ज़्यादा प्रो लर्निंग है। इंशाल्लाह आपको महसूस होगा कि इसमें ज़्यादा बेहतरी आती है आपकी लर्निंग मेरे ख्याल से। ओके, तो इस स्लाइड से मुतल्लिक जो क्वेश्चन है ना, वो अब आप आई थिंक देयर इज अ वे यू कैन रेज योर हैंड इन जूम। सवाल है मुकर, किसी के क्वेश्चन हैं? लार्ज आर्टरीज क्या होती हैं, रेजिस्टेंस वेसल्स क्या होती हैं, एक्सचेंज वेसल्स क्या होती हैं, कैपेसिटेंस वेसल्स क्या होते हैं, इस बारे में, इस स्लाइड के बारे में कोई क्वेश्चन है तो मुझसे कर लो। और बेटे मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, एक मिनट, लेट मी जस्ट एडमिट दीज गाइस। हाँ जी, मैं दोबारा से एडमिट आपको कह रहा हूं कि आपने जो वीडियो में भेजता हूं जो टाइम स्टैम्प के साथ भी होती है, जैसा भी होती है ना, वो आपने लेक्चर से पहले अच्छी तरह स्टडी करना जरूरी है आपके लिए, ठीक है। मैं आपको ये बताऊं कि अभी आज सुबह मैं अपनी ही वीडियो देख रहा था, क्योंकि मैं उसको देख रहा था कि मैंने उसको क्या क्या एक्सप्लेन किया है, ताकि मैं उसको रिपीट ना करूं ज़्यादा, ठीक है ना, क्योंकि वो तो एक चीज़ रिकॉर्ड हो चुकी है। तो अब वो चीज़ जब रिकॉर्ड आप कर लेते हैं तो फिर मैं इंटरेस्टेड ज़्यादा होऊंगा अब क्यू एन ए, आपके सवालों के जवाब में ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा। तो अगर आपने देखी नहीं होगी तो फिर ये वाला जो है ना आपके लिए, ये वाला जो सेशन है ये काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग होगा, ठीक है ना। होगा ये कि कुछ बच्चे देख के आएंगे और बाकी बच्चे अगर देख के नहीं आएंगे तो मैं बेसिकली उनसे ही बात कर रहा हूँ, तो आप बेसिकली यहाँ पे आई डोंट नो क्या कर रहे होंगे। अच्छा असद अली, ये आप एरो ना बनाएं, मेहरबानी करें, थैंक यू। तो अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर मैं आगे चलूँगा। मैं बच्चों की तरह स्क्रैच से नहीं डिस्क्राइब करूंगा, वो मैं कर चुका हूँ, ठीक है। अगर आप सर आर्टेरियोल्स के बारे में एक्सप्लेन करें, बेटे क्या एक्सप्लेन करें, आप सवाल करें ना। आर्टेरियोल्स पूरी पूरी किताबें लिखी गई हैं, व्हाट डू यू नॉट अंडरस्टैंड, इफ यू वांट टू रेज योर हैंड एंड से इट, आई कैन अकोमोडेट दैट। लिखना है लिख दो, बोलना है बोल दो, दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद है। दिस is as natural a class online as can be possible, right? Is it only at specific points? बेटे सारी आर्टरीज जो है ना वो एंड करती हैं आर्टेरियोल्स बना, सारी आर्टेरियोल्स पहले लार्ज साइज की आर्टरीज है, पहले तो एओर्टा है, एओर्टा तो मदरशिप है, एओर्टा के बाद बड़ी आर्टरीज बनती हैं बड़े कैलिबर की, उसके बाद छोटे कैलिबर की आर्टरीज बनती हैं, फिर होते हुआते फिर मीडियम बन जाती हैं, होते हुआते उन्होंने जाना आर्टेरियोल पे ही है, वो आर्टेरियोल्स बनती हैं एंड में जाती, ठीक है। आगे चलो, एनीबॉडी एल्स वांट्स टू आस्क अ क्वेश्चन वॉइस में, या लिखना है तो लिखते हैं, दोनों मेरे सामने। आपको एक पल्सटाइल फ्लो वगैरह का समझ आ गया था जो तो मैंने एक्सप्लेन किया था कि आर्टरीज में पल्सटाइल फ्लो होता है, लेकिन कैपिलरी में पल्सटाइल फ्लो नहीं होता। ये वाली बात कि ये लार्ज आर्टरीज डैम करती हैं, वो सारी मैंने डिस्कशन की है,
बेटे अगर नहीं भी किया तो इसको ना अच्छी तरह कर ले, पढ़ ले। आप वीडियो कवर करोगे, वीडियो मैंने बहुत ज्यादा आपको सामने रखते हुए ही रिकॉर्ड की है, क्योंकि बेसिक में रिकॉर्डेड ये लास्ट ईयर की है, लेकिन ये आपको सामने रखते हुए की गई है। ये जो आपको रिक्वायरमेंट है टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, उसमें वो ही डिस्कशन हुई है। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है, हम आगे चलें। चैट में कोई नहीं लिख रहा, कोई हाथ रेज नहीं कर रहा, तो इसका मतलब यह है कि हम आगे जा सकते हैं। सर एवरीवन हैव सम सीक्वेंस इट वाज आवर गिवन इफ एनीवन डोंट हैव एसक्यू देन व्हाट हैपेंड है। वैसे कोई नहीं समझ लगी, तुम अपनी आवाज खोल नहीं रहते बेटे। ओके, मेरा ख्याल है बाकी है। ओके, वील कंटिन्यू। सो हीमोडायनामिक्स, जैसे मैं वीडियो में बात कर रहा हूँ, इट्स अबाउट प्रेशर, वॉल्यूम, फ्लो एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो एक आप ये देखो ना, आपने फिजिक्स में सारी बातें पढ़ी हैं, अब हमने सिर्फ उसको सर्कुलेशन में अप्लाई करना। ठीक है, आप एक वेसल को इमेजिन करें जिसमें ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा है। अब क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं उस ब्लड के साथ, भाई उस ब्लड पे प्रेशर कितना पड़ रहा है। खैर, ये एक चीज है जो आपको, ये एक चीज है जो आपको वो करनी है, कंसिडर करनी है। फिर उस ब्लड का वॉल्यूम कितना है, ठीक है, ज्यादा है, कम है, बतदरीज कम हो रहा है, बतदरीज बढ़ रहा है, वगैरह वगैरह। ठीक है, फिर उसके फ्लो के मामला आते हैं, भाई ये फ्लो कैसे कर रहा है, क्या ये गोल गोल घूम रहा है, क्या ये स्ट्रेट फ्लो कर रहा है एफिशिएंटली। और फिर रेजिस्टेंस की बात आ जाती है कि भाई इस पे जो वेसल होता है वो रेजिस्टेंस कितनी अप्लाई कर रही है। ठीक है, तो बेटे ये चार चीजें ही है ना, क्या ये चार चीजें आपको क्लियर होती हैं? प्रेशर, ये प्रेशर आ गया, वॉल्यूम, फ्लो और रेजिस्टेंस, ये चार चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो इन चार चीजों के यानी इन पे बेस्ड कुछ लॉज हैं हीमोडायनामिक्स के, या कुछ रहनुमा असूल हैं, वो हम पहले पढ़ेंगे, और उसके बाद कुछ दो लॉज हैं, ओहम्स लॉ और पॉइजनीज लॉ, वो करके हम इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। वैसे मैं आपको, जैसे मैंने वीडियो में भी कह रहा हूँ कि इसमें चीजें बतेरी हैं, अगर आप हीमोडायनामिक्स की किताब खोलें तो आप रोना शुरू कर देंगे, इतनी ज्यादा चीजें। ठीक है, लेकिन जब मेडिसिन में इसकी एप्लीकेशन आती है, स्पेशली अंडर ग्रेजुएट्स, चाहे वो एमबीबीएस हो, चाहे वो एमएलटी हो, चाहे वो बीएसएन हो, तो हम इसको जरा लिमिट करके पढ़ाते हैं, क्योंकि बहरहाल आपको इसमें कोई पीएचडी तो नहीं करनी हीमोडायनामिक्स, आपने तो इसको एक आपके लिए ये एक वर्किंग नॉलेज आपके लिए जरूरी है। आपको ये होना, पता होना जरूरी है कि भाई प्रेशर, वॉल्यूम, फ्लो एंड रेजिस्टेंस के जो कॉन्सेप्ट हैं वो प्रैक्टिकली एक सर्कुलेशन में किस तरह से अमल में आते हैं, और ये जरूरी क्यों है पढ़ना प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसलिए इसका एक इंतहाई अप्लाइड वर्जन आपको बनाया जाता है सारा। ठीक है, तो ये है बेटे वो रहनुमा असूल। ठीक है, तो पहला रहनुमा असूल क्या है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं अब, ये डिस्कस कर, इसके बारे में कोई सवाल है? अगेन बेटे मैं ये अस्यूम करूंगा कि ये आप पढ़ चुके हैं इस वीडियो में। ठीक है, अगर आप ये इस वक्त पहली दफा पढ़ रहे हैं तो आपने बड़ी ज्यादती की है। ठीक है, बार बार आपको एक ही बात कही जाती है, अब मैंने वो बात दोबारा कहनी नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर का आपको प्रोटोकॉल आज समझ में आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपने थर्सडे वाले दिन इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपने सारी वीडियो को अच्छी तरह पढ़ के आना। ठीक है, आपने इस क्लासरूम में आना है रेडी होके। ठीक है ना, क्वेश्चन या तो करें या फिर मैं क्वेश्चन करूँ। ठीक है, और खामोशी तो मैं भी खामोश हो जाऊंगा, मैं नहीं बोलूंगा। तो प्रेशर ऑफ फ्लूइड इन मोशन डिक्रीजेस ओवर डिस्टेंस, इसके मुतालिक किसी के क्वेश्चन है तो कर। ये पहला वाला सवाल, एक बच्चे एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं कि वो लिख सकते हैं, इस पे नहीं लिख सकते।
तुम छोटे बच्चे ही नजर आ जाते हैं। अच्छा कि प्रेशर जो है वो जैसे जैसे फ्लूइड आगे मूव करता है, एक अगर ये एक वेसल है और उसमें फ्लो ऐसे है, इस डायरेक्शन में है, ये नजर आ रहा है बेटे आपको जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये नजर आ रहा है? तो अगर ये वेसल ब्लू से बनाई है मैंने, वैसे ही ब्लू कलर आ गया, और रेड से मैंने फ्लो बनाया है, फ्लो की डायरेक्शन बनाई। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, ये रहनुमा सूर्य कहता है कि प्रेशर इसका जायल होगा, कम होगा। अब ये क्यों होगा ये मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया, कोई बताएगा मुझे? एनीवन? अच्छा वो जो लाइव क्लास वाले खवातीन हजरात थे कि जी लाइव क्लासे होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, आज उनके पास पूरा मौका है अपने आप को एक्सप्रेस करने, तो आज तुम लोग बिल्कुल शर्मा रहे हो, चुप बैठे हो, है जी, ड्यू टू रेजिस्टेंस। शाबाश शरीफ, शुक्र है किसी ने तो जवाब दिया, ड्यू टू रेजिस्टेंस होता है ये, शाबाश शुभ। इस रेजिस्टेंस की वजह से जैसे जैसे आप आगे जाएंगे, मिसाल के तौर पर अगर आपने हार्ट वार्ट को निकालने हैं, आपने एक आर्टरी का पीस ले लिया, जैसे एक छोटा सा एक पीस है, ठीक है, यहाँ पे आपने ब्लड छोड़ दिया, एक ही दफा धक्का दे दिया उसको, अब वो फ्लो कर रहा है, वो यहाँ आते 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 यहाँ पे रुक जाना है। अगर उसको पीछे से कोई मजीद पुश नहीं ना मिलेगा तो उसने एक जगह आके रुक जाना है। क्यों रुक जाना? क्योंकि वो रगड़ खा रहा है वेसल की वॉल से, इसको रेजिस्टेंस कहते हैं। इसका एक अलग से रहनुमा असूल भी है, लेकिन वो यानी वो इतना इंपॉर्टेंट है, वो हमने दो जगह उसको इस्तेमाल किया, ठीक है, ये एक रहनुमा असूल है। अब आगे चलते हैं। अब भाईजान ये बताएं कि ये किसने पढ़ा, ये मैंने बड़े डिटेल से समझाया था, वो बारे की एग्जांपल दी थी मैंने लेक्चर में, जो मैंने रिकॉर्डिंग की थी है, और उसमें मैंने बड़ी डिटेल से समझाया था, प्रेशर चेंजेस इन लिक्विड्स विदाउट अ चेंज इन वॉल्यूम। ये कोई अपने अल्फाज में बता दे तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी बाकी बच्चों के लिए, शायद मेरा समझाना जरा कॉम्प्लिकेटेड होगा, आप जरा अपने अल्फाज में उसको अच्छी तरह को समझा देगा, इससे पहले कि मैं नाम लेना शुरू करूं, अब तो मुझे नाम भी याद थोड़े थोड़े हो गए। कोई नहीं बोल रहा है, इसको कौन करेगा? हाँ जी सवेरा करेगी, सवेरा रोल नंबर टू, वेर आर यू सवेरा? बेटा आपने तो साफ इनकार कर दिया है, तो बड़ी बुरी बात है। अच्छा चलो और कौन सा बच्चा है, वैसे तो बोलता ही रहता है। बहरहाल अब आपको पता है कि मैं आपसे सवाल भी कर सकता हूँ, ठीक है, इस पे जूम इज द प्रेफर्ड थिंग हियर। एनी हाउ हाँ जी, वॉल्यूम सर तब चेंज होगा जब हम खुद करेंगे, पर प्रेशर हो सकता है ऑनिट्स ऑनिट्स ऑनिट्स। अच्छा अगेन चलो कुछ तो बोला है, फातिमा ने क्या कहा, सर जब लेजर कंस्ट्रेन होती है तो प्रेशर क्रिएट होता है बट वॉल्यूम सेम रहता है। शाबाश ठीक है, अच्छा ठीक है, ये आप मैं नहीं, वही बात है, मैं बच्चों की तरह नहीं समझाऊंगा, वो मैं एक दफा बता चुका हूँ, मुझे डबल डबलिंग में नहीं करूंगा, वो आपने अपना होमवर्क करना था, वो आपने अगर नहीं किया तो दिस इज योर फॉल्ट, मैं आपको सर इसकी एप्लीकेशन बताऊंगा। याद है आपको लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे वेजर कंस्ट्रक्शन और वेजर डाइलेशन, ठीक है, कि वो एक तरीका होता है कि कई सिचुएशन में वो लाइफ सेविंग होता है, कि अगर आप अचानक ब्लड लॉस हो जाए तो वो फिर उसको कंस्ट्रक्शन करके जेपी लगा के उसको किस तरह से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन होता है, जो कंस्ट्रक्शन होती है ताकि जो प्रेशर है वेसल के अंदर वो मेंटेन हो सके। जी बेटे सवेरा बलून वाली एग्जाम्पल जी, तो अब इस वाले कॉन्सेप्ट की, ये जो इस वक्त मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है जो मैं बयान भी कर रहा हूँ कि वॉल्यूम जो है ना वो कॉन्स्टेंट होता है, ऑलमोस्ट हर वक्त कांस्टेंट रखना पड़ता है, जो
ब्लड ईसीएफ वॉल्यूम से कहते हैं ना, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, वो क्या होता है, सेल से बाहर जो भी वॉल्यूम है बॉडी में वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम कहलाता है, और वैस्कुलर वॉल्यूम इज पार्ट ऑफ ईसीएफ वॉल्यूम। ओके, अगर आपको ईसीएफ वॉल्यूम के बारे में पूछना है तो वो ये होगा, ईसीएफ वॉल्यूम इज इक्वल टू इंटरस्टीशियल स्पेस वॉल्यूम प्लस वैस्कुलर वॉल्यूम। भाई सेल्स के बाहर कौन कौन सी चीजें पड़ी हुई है, इंटरस्टीशियम है और वेसल है, और कुछ है नहीं ना, है या सेल है या इंटरस्टीशियम है या वेसल्स हैं, और कोई शय है और कोई स्पेस है। हम स्पेशलाइज स्पेसेस की बात नहीं कर रहे, जैसे ब्रेन में है जो वेंट्रिकल्स हैं उनकी बात नहीं कर रहे, या ब्लैडर के अंदर जो स्पेस है उसकी बात नहीं कर रहे, अब जनरल बात कर रहे हैं, जनरल बॉडी की बात कर रहे हैं, यही है ना। कुछ से ज्यादा 927 पे भी आ रहे, माशाल्लाह। चलो ओके, सो हम बात कर रहे हैं जो जनरल वॉल्यूम्स हैं, जनरल जो है, तो उसमें क्या है, उसमें वो 5 लीटर ही फिर रहा है इधर से उधर, ठीक है, कांस्टेंट है वैस्कुलर वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम तो हो गया कांस्टेंट, और इसीलिए हमने बात की, ये बात हम ये बात कर रहे हैं कि हमने चेंज ऑफ वॉल्यूम नहीं किया इसके कारण, हमने चेंज ऑफ वॉल्यूम नहीं किया, लेकिन हम फिर भी प्रेशर चेंज कर सकते हैं। अब एक वेसल है, ठीक है, उसमें मैंने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा हुआ है, प्रेशर कैसे चेंज कर सकता हूँ, वही जो बच्चे ने बात की, वेजो कंस्ट्रक्शन से और वेजो डायलेशन से, ठीक है। अगर सेम वॉल्यूम पर मैं वेजो डायलेशन कर दूं बेटे, तो अंदर जो प्रेशर है वो नीचे आ जाएगा, ना, और अगर उसी वॉल्यूम पर मैं वेजो कंस्ट्रक्शन कर दूं तो प्रेशर ऊपर चला जाएगा, ऐसे ही। तो ये समझना बहुत जरूरी है, ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, ठीक है, कि बॉडी जो है वो वेसल्स को किस तरह से इस्तेमाल करती है, ये सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम किस तरह से मैनिपुलेट करता है डायामीटर ऑफ वेसल को, ताकि प्रेशर को चेंज किया जा सके ऑन ए फिक्स्ड वॉल्यूम, ऑन ए फिक्स्ड वॉल्यूम। ये बात भी हो गई। चलिए अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट कौन बताएगा, ये ब्लड फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, इसके बारे में मैंने बड़ी डिस्कशन की हुई है कोई अल्लाह का बंदा ये बंदी जरा बात करें। ठीक बच्चे हैं, 53 बच्चों में इतनी खामोशी, तो गुड जैन शाह। उसको अनम्यूट कर सकते हैं, कैन यू अनम्यूट, मैं आपको कर रहा हूं ऑफर। बच्चे कैन यू अनम्यूट प्लीज, बड़ी मुश्किल से बच्चा जवाब दे रहा है उसको। दिस इज नॉट वर्किंग, देन कैन यू टेक्स्ट, यस सर, ये करेक्ट, ठीक, अच्छा मैं ऐसा करता हूं कि आई एम गोना अनम्यूट फ्रॉम माई एंड नाउ, जस्ट टू सी के सिस्टम कैसे काम करता है, आपने म्यूट ही रखना है, ठीक है, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। अलाउ, मैं अलाउ कर रहा हूँ पार्टिसिपेंट्स को कि वो अनम्यूट कर सकते, ठीक है। अब जैन आप अनम्यूट कर सकते हैं बच्चे, देखो जरा, कैन एनीवन अनम्यूट टू टेल मी कि ये सिस्टम काम कर रहा है या नहीं कर रहा। यस सर, इट्स वर्किंग। ओ गुड गुड गुड, ये कौन बोला अभी, हु इज दिस, हेलो, वी हैव अ चार्जर,
रुमेसा को मैंने देख रहा हूँ कि वो अनम्यूटेड है। अच्छा एनीवे अब तो सर इसमें आर्टरीज जैसा कि नैरो होती हैं तो इनमें प्रेशर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वेन, इसलिए सर ब्लड फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। ओके एटलीस्ट मैं आपको सुन सकता हूँ, तो दैट्स दैट। अब जरा बोलना, जरा बच्चे दोबारा बोलना, एनीबडी सेज एनीथिंग, मैं एक चीज चेक कर रहा हूँ हेडफोन्स। सर इसमें मैं कह रहा था कि जैसा कि आर्टरीज नैरो होती हैं एज कम्पेयर टू वेन तो इनमें प्रेशर ज्यादा होता है और वेन्स में प्रेशर कम होता है, इसलिए ब्लड फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। ओके ठीक ठीक है, और कोई क्वेश्चंस अगर हैं इस बारे में, ब्लड प्रेशर टू हायर टू लो, ठीक है। तो मैंने इसमें काफी डिस्कशन की है कि जैसे जैसे अगर आप ग्रेडियंट नहीं देंगे, आप डेल्टा पी प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो कोई भी चीज़ ब्लड क्या पानी भी फ्लो नहीं करेगा। पानी भी उस वक्त फ्लो करता है अगर पानी में एक लेक है, मिसाल के तौर पर आपने लेक तो देखी होगी ना, तालाब या कोई लेक देखी होगी, झील जैसे कहते हैं, उस झील, वो झील में पानी जो है स्टैटिक होता है, ऐसा ही है, स्टैटिक होता है, यानी वो वहाँ वहीं का वहीं होता है। ओके हेलो हेलो, हाँ कैन यू हियर मी नाउ? यस सर। चलो शुक्र है। ओके
बैक टू वर्क. अब 7 मिनट हमारे पास रह गए हैं इस मीटिंग के, लेट्स सी हम कहां तक पहुंचेंगे. अगर डिस्कनेक्ट हुआ तो फिर भी आई विल रीकनेक्ट. ऑलराइट. अच्छा, तो बुनियादी तौर पर मैं वो उसकी बात कर रहा था तालाब की, कि तालाब में अगर आपको पानी उसमें से निकालना है तो आपको एक ऐसी नहर खोदनी पड़ेगी जो नीवी हो, नीचे हो उस तालाब से, ताकि हायर से वो लोअर में उस नहर के अंदर पानी बहना शुरू कर. बिल्कुल इसी तरह से अगर आपने एक क्लोज सर्किट सर्कुलेशन में ब्लड को फ्लो करवाना है, ठीक है, अगर आपने ब्लड को फ्लो करवाना है तो आपको कोई ऐसी चीज करनी पड़ेगी कि ये फ्लो करे, और वो फ्लो नहीं करेगा जब तक आप उसका प्रेशर कोई ग्रेडियंट नहीं बनाएंगे, डेल्टा पी, उसको मैं बार बार कह रहा हूँ. आप डेल्टा पी अगर नहीं बनाएंगे वो फ्लो नहीं करेगा. तो डेल्टा पी कौन बनाता है, वो पुश कहां से आ रहा है? हेलो, क्वेश्चन था भाई. हार्ट. बिल्कुल, हार्ट. हार्ट है जो कि ये डेल्टा पी बनाता है. अगर हार्ट धड़कना बंद कर दे तो डेल्टा पी हो जाएगा खत्म और ब्लड फ्लो भी स्टैंड स्टिल हो जाएगा. अब आपको समझ आ रही है जो मैंने शुरू में बात की थी, बिल्कुल शुरू में जब हम फिजिकल क्लास में थे, कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इकट्ठा क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि अगर हार्ट पंप ना करे तो सर्कुलेशन में ब्लड फ्लो ही ना करे, और उसकी टेक्निकल रीजन यही है कि इट रिक्वायर्स अ डेल्टा पी. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. नाउ चौथी और आखिरी सेकंड लास्ट चीज क्या है? रेजिस्टेंस अपोजेस फ्लो. अब ये बहुत ऑब्वियस ही बात है कि रेजिस्टेंस अपोज करेगी फ्लो को, लेकिन इसमें मैं आपको एक छोटी सी पसूड़ी देता हूँ. ठीक है, एक वेसल बनाते हैं, ये वेसल बन गई. ठीक है, रजीव तो गरीब बनी है. ठीक है, और इसका ये वाला जो एंड है ना, ये वाला एंड है इसका, ये वाला. इधर हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, चलो इस तरह से आप वो कर लो, अस्यूम कर लो. ठीक है, यहाँ ब्लड फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, ऐसे करके ऐसे फ्लो कर रहा है. ठीक है, लेकिन इस जगह, ये जगह है, ये जगह, यहाँ पे आप कुछ गेम कर सकते हैं, यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन या डायलेशन कर सकते हैं. ठीक है, अब बात ये हो रही है कि रेजिस्टेंस जो है वो फ्लो को अपोज करेगी. तो अगर आपने इस जगह को सुकेड़ दिया, इसको आपने कंस्ट्रिक्ट कर दिया, इस जगह को अगर आपने कंस्ट्रिक्ट किया, तो ये जो पीछे से फ्लो आ रहा है इसको यहां पे ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगी फ्लो की. ऐसा ही है, पहले ये खुशी खुशी बह रहा था, यहां से बाहर निकल रहा था, अब आपने इसको डायमीटर कर दिया आधा, तो जाहिर है अब इसको रेजिस्टेंस ज्यादा मिल गई है. ऐसा ही है, तो इसका फ्लो कम हो जाएगा. अब बात यह है समझने की, कि जब ये आपने इसको सुकेड़ा इस एंड पे और इसको किया आधा, यासर अली को मैं अभी एडमिट नहीं करूंगा, ये बहुत लेट है, दिस इज नॉट द वे. ये 9 बजे क्लास थी इसलिए ही विल नॉट बी एडमिटेड. आई एम रिमूविंग हिम. यस सर. ओके, तो जब इसको आप कंस्ट्रिक्ट करते हैं और फ्लो को आपने आधा कर दिया, अब क्या होगा? सवेरा कहां से, खुद ही बाहर निकल गई थी. तो जो ब्लड है वो पीछे जमा होना शुरू हो जाएगा. ऐसा ही है, आपने इसका डायमीटर आधा यहां पे कर दिया, फ्लो को आपने आधा कर दिया. ठीक है, रेजिस्टेंस बढ़ा दी, फ्लो आधा हो गया. तो अब ये बाकी ब्लड जाएगा किधर? बाकी ब्लड इधर ट्रैप होना शुरू हो जाएगा. ये बात समझ में आई या नहीं है? इंपॉर्टेंट पॉइंट. यस, आगे. ओके, तो बेटा जी ये तरीका है, ये तरीका है ब्लड प्रेशर बढ़ाने का बाय वेजो कंस्ट्रिक्टिंग द आर्टीरियोल्स. अब ये बात आप थोड़ी सी हजम करने की कोशिश करो. मैंने ये आपको बताइए एप्लीकेशन, इस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन बड़ी ही जरूरी है. आर्टीरियोल्स जो आप अभी बात हमने की है, आर्टीरियोल्स जो हैं वो कंस्ट्रिक्ट होने के लिए मशहूर हैं. सबसे ज्यादा सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन या सिंपैथेटिक फाइबर्स जो हैं वो आर्टीरियोल्स के ऊपर सप्लाई होते हैं. अगर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन स्ट्रॉन्ग हो तो आर्टीरियोल्स बिल्कुल सुकेड़ दिए जाते हैं.
अब सारी की सारी आर्टरीज मैंने ये कहा था कि वो जाके एंड होती हैं आर्टेरियोल्स पे, ऐसे ही कहा था। तो आर्टेरियोल्स को अगर आपने सुकेट दिया है तो क्या होगा, यही होगा जो मैंने आपको यहाँ सिंगल वेसल में बताया। अगर आपने सारी आर्टेरियोल्स जो है वो सुकेट दी है तो ब्लड जो है वो अब जमा होना शुरू हो जाएगा आर्टेरीज में, सही है। और जब आर्टरीज में जमा होना शुरू हो जाएगा तो वो रीज में, अभी आपका जवाब देता हूँ ठहरो, जब आर्टरीज में जमा होना शुरू हो जाएगा तो वो प्रेशर डालेगा अपनी वॉल्स पे, क्योंकि जाहिर है उसको तो आदत नहीं थी रुकने की। अब आपने आगे रास्ता ही आधा कर दिया है तो वो पीछे ट्रैप होना शुरू हो जाएगा। जब ट्रैप होगा तो वो प्रेशर मारेगा इस पे अपनी वॉल पे, वो प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहते होते हैं, तो हम कहेंगे ब्लड प्रेशर बढ़ गया। इस तरह से बेटे अनम्यूट करें, इसको म्यूट करें प्लीज, रोमैसा और सुंदस। इस तरह से वेजो कंस्ट्रिक्शन ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकती है, ये बात आपने याद रखनी है। जब हम डिस्कस करेंगे ना ब्लड प्रेशर, ये बात काफी वहां पे आई। जी अरीज, अस्सलाम बेटे। बेटा एक मिनट, मुझे कोई समझ नहीं आई, दोबारा से पूछना। नहीं, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बेटे, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, इसलिए पैचेस में आ रही है। आप लिख दोगे? यस सर। वेजो डायलेशन का आपने जिक्र किया, ये मुझे पता है, वेजो डायलेशन, हाँ एको भी आ रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है। ये कुड रोमैसा, कैन रोमैसा हियर मी प्लीज? रोमैसा का लगातार माइक ऑन है, आप प्लीज इसको बंद करेंगे। रोमैसा, इज दिस आवर स्टूडेंट? कोई रोमैसा नामी बच्ची है हमारी क्लास में? ठीक है, ऑल राइट, आई एम वेटिंग फॉर अरीज टू आस्क अ क्वेश्चन। सर जब वेजोडाइशन होती तो इट वुड हैव एन इफेक्ट ऑन आयोटा टू? हाँ बेटे, वेजोडाइलेशन जब हम बात करते हैं ना, इस वक्त हम बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस की, तो इसलिए मैंने आर्टेरियोल्स की। अच्छा अभी रिकॉर्ड हो रहा है, सॉरी गाइस, मैंने रिकॉर्डिंग नहीं दबाई थी। ओके, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया रीच, कि वो ATMMHG वाला, बेटे वो जो ATMMHG है ना, वो मैं उस डिस्कशन को रख रहा हूँ ब्लड प्रेशर, लेकिन चलो आपने सवाल कर लिया है। वो जो ATMMHG है प्रेशर बनता, वो एक्चुअली एओटा की अपनी एक चीज से बनता है। एओटा जब कंस्ट्रिक्ट करता है ना, तो जब वेंट्रिकल अपनी सिस्टली के दौरान ब्लड फेंकता है एओटा में, तो एओटा डायलेट कर जाता है, ठीक है। वो उसकी सिस्टली होती है, सिस्टोलिक प्रेशर होता है, हम कहते हैं वो 120 है, ठीक है। उसके बाद एओटा कंस्ट्रिक्ट करता है, एओटा इस डिस्टर्बेंस को एड्रेस करता है बाय कंस्ट्रिक्शन। स्मूथ मसल की याद रखो, एक आदत होती है, जब आप उसको खींचोगे ना तो वो उसको रिजिस्ट करेगा और वो कॉन्ट्रैक्ट करके ले जाएगा। तो एओटा में ढेर सारा स्मूथ मसल लगा हुआ होता है, तो जब वेंट्रिकल सिस्टली होके उसमें एक धमाके से एक बोलस ऑफ ब्लड आता है, तो वो बेचारे के पास चॉइस नहीं होती, वो डायलेट कर जाता है, ठीक है। लेकिन जब वो डायलेट करता है तो ये बात स्मूथ मसल को ज्यादा पसंद नहीं आती, तो थोड़ी देर के बाद वो कंस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है। अब वो कंस्ट्रिक्ट करते हैं तो वो इस ब्लड को आगे की तरफ पुश करते हैं, ठीक है। ये जो कंस्ट्रिक्शन है, इसका प्रेशर ATMMHG, तो जो डायस्टोलिक प्रेशर है एओटा का, वो यहां से आता है। अब ये वो बात है जो मैंने यूट्यूब लाइव पे आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल चलो, आपने सवाल किया, मैंने आपको जवाब दे दिया, अगर समझ में आया तो वेल एंड गुड, वरना आप फिक्र ना करें, ये बाद में डिस्कस करेंगे जब हम ब्लड प्रेशर कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अगर और कोई सवाल नहीं है तो हम ये समझ आई बात बच्चों को, रेजिस्टेंस वाली, रेजिस्टेंस अपोजेस फ्लो, बच्चों को समझ आई बात क्या नहीं? हम इधर थे, इससे मुतल्लिक कोई सवाल है? ओके चलो आगे चलते हैं, ठीक है। वो थोड़ा सा देखें, मैंने ना अपनी आसानी के लिए नहीं नहीं रीच पेरिस्टाल्सिस बेटे GIT में होती है,
जीआईटी में डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, उसको उधर नहीं जाओगी। ये अभी अभी पेरिस्टाल्सिस ऑटोमेटिक होती रहती है, वो एक सीएनएस रिलेटेड चीज है। ये जो है ना सर्कुलेशन में, सर्कुलेशन में जो भी होता है वो हार्ट करता है, आप ये याद रखें। वेसल्स में अगर कोई भी डिस्टर्बेंस होती है या मोशन होता है या चेंजेस आती हैं, वो हार्ट ने शरारत की हुई होती है मेनली। हाँ, ये अलग बात है कि हम वेसल्स को भी वेजो कंस्ट्रिक्ट और डायलेट कर सकते हैं बाय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, लेकिन जो मेन थ्रस्ट है ना एक्टिविटी का, ये जो ब्लड की आनियां जानियां हैं, ये हार्ट की वजह से। ठीक है बेटा। अच्छा, तो रेजिस्टेंस कॉजिंग एजेंट्स नहीं समझ आई बेटे हुआ साहब, जल्दी से बता दो। मैं अब वो फ्लो बन जाता है ना, फिर वो जल्दी से बता दो क्या मतलब है आपका, ये एजेंट्स कहां से आ गए भाई। हाँ हाँ चलो, एक चलो बच्चे भी आ रहे हैं। ठीक है, ऑलराइट। मेन जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा था वो ये कि अगर आप रेजिस्टेंस वेसल्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे, अगर आप आरटीओस को कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो पीछे जो है वो ब्लड की कूलिंग होगी, ब्लड ट्रैप होगा और ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। ये बात अगर आपको थोड़े बहुत ही पल्ले पड़ गई है ना, तो ये बड़ी फायदे की बात। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं जनाबी अली। ठीक है बेटा, कर लो तंगी, कर लो वीडियो। अब हम बात कर रहे हैं ये आखिरी पॉइंट की, ये वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन फ्लो रेट और क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, अब मैं इसमें एक मैंने अगर आपने वो सुन ली है वीडियो, तो मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, एक चीज डिस्कस कर रहा हूँ, तो वो खैर हम उसमें फिर स्लाइड में करते हैं। तो ये एक चीज है कि वेलोसिटी जो है वो डिपेंड करती है फ्लो रेट पे, ब्लड कितना तेज से फ्लो कर रहा है, उसकी स्पीड क्या है, और ये ब्लड की जो जिन वेसल्स में फ्लो कर रहा है उनका टोटल सरफेस एरिया कितना। ठीक है, अगेन ये बात मैंने की है। अच्छा, आगे चलें। अब एक एक चीज को हमने डिस्क्राइब किया है। इस पूरी स्लाइड से मुतल्लिक बच्चों का कोई सवाल? जी यूएस, यस। रेजिस्टेंस जो है वेजो कंस्ट्रिक्शन में आप कहते हैं बढ़ गई है, और वेजो डायलेशन में रेजिस्टेंस कम हो गई। टर्बुलेंस से मुतल्लिक बेटे कोई सवाल? टर्बुलेंस, ये लैमिनर टर्बुलेंस क्या होती है और टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, लैमिनर और टर्बुलेंट फ्लो, ये क्लियर हुआ? कोई सवाल? तो अगर आपको आज के बाद पूछा जाए कि ये रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, तो ये आपको आना चाहिए। ये फॉर्मूला अगर आए ना भी आए, लेकिन इस फॉर्मूले के जो कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए। ठीक, इसमें कोई क्वेश्चन है तो कर लो। मैं कर लू क्वेश्चन, क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोग ज्यादातर जो बच्चे हैं ना, वो उन्होंने प्रॉब्लम नहीं पढ़ा, मेरा ख्याल है, अल्लाह करे मैं गलत हूं। अच्छा जी सर, बॉडी में कहां टर्बुलेंट होता है, हो रहा है, लैमिनर फ्लो होता है, प्लीज डिफरेंशिएट। हाँ जी, और कोई सवाल है? सो आपने क्योंकि ब्लड फिजियोलॉजी अभी नहीं पढ़ी, तो एक बात मैं आपको, तो मैंने वैसे वीडियो में कहा है, मैं एक दोबारा से कह देता हूं कि बॉडी में जो प्रेफर्ड अच्छा, वैसे तुम बगैर पढ़े इतने क्वेश्चंस करते हो, चलो ये भी ठीक है, पढ़ के तुमने क्या करना है। अच्छा जी, प्रेफर्ड जो है जो फ्लो है वो ये, ठीक है, कि ब्लड को यानी इस फॉर्म में, इन इन तहों में, इन लेयर्स में ब्लड फ्लो करे, इसको बेटे कहते हैं लैमिनर ब्लड फ्लो। ये लैमिनर ब्लड फ्लो, मैं दोबारा क्लियर कर देता हूं, ये जो एग्जांपल दी गई है ये वाली, ये है लैमिनर ब्लड फ्लो। यहां तक ठीक है? अब बात करते हैं टर्बुलेंट ब्लड फ्लो। ये टर्बुलेंट क्या शेयर, ये टर्बुलेंट है, ठीक
तो ये जनाब अली ये जो शय है, ये जो है ये गुमेरिया जो बनी हुई है, ठीक है, ये टर्बुलेंट ब्लड फ्लो है। अब आप तस्वीर से ही जाहिर है आपको कि जो लैमिनर ब्लड फ्लो है, यानी ये वाला जो ब्लड फ्लो है ये वाला बी, ये साफ जाहिर है कि अच्छा लग रहा है, ब्लड जो है वो एक सीक्वेंस में आगे जा रहा है, बड़े मजे से सब कुछ मामला तय हो रहे हैं और स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल शाबाश। और जो सी है उसमें ब्लड फ्लो तो कर रहा है लेकिन कुछ गड़बड़ हो रही है, वो आपस में टकरा रहा है, कभी कोई गोल घूम रहा है, कभी वो वापस ही आ जाता है, यानी रिवर्स गियर लग रहा है, ये तो नहीं ना बात सही भाई। अगर आप प्रेशर यहां से दे रहे हैं, अगर प्रेशर यहां यहां से कलर जो है ना ब्राइट होना चाहिए, प्रेशर अगर यहां से आ रहा है तो इसको तो फिर ऐसे ही आगे फ्लो करना चाहिए ना, लेकिन ये फ्लो तो नहीं कर रहा। लुक एट व्हाट इज हैपनिंग हियर, हियर ये गड़बड़ हो रही है, गोल गोल घूम रहा है, सही है ना। अच्छा रीच क्या कहती है, सर ब्लड वॉल्यूम डिक्रीजेस एंड विस्कोसिटी इंक्रीजेस। शाबाश शाबाश रीच बच्चा, गुड, वेरी गुड। ये रीच आपने सवाल जो है ना ये अभी आपने संभाल के रखना है, मैं जरा बच्चों को थोड़ी बेसिक्स समझा दूं फिर आपने सवाल करना, ठीक है, इसको संभाल के रखना सवाल। अच्छा बच्चों तो ये लैमिनर फ्लो है, ये वाला ये जो ये है ये लैमिनर फ्लो है, ठीक है, और ये जो है ये टर्बुलेंट, ठीक है। बॉडी जो उसका वैस का सवाल था ये कि जो जो बॉडी में कौन सा फ्लो ज्यादा है, ये वाला फ्लो बेटे ज्यादा, नॉर्मल फ्लो इज लैमिनर फ्लो, ये बात याद रखें, नॉर्मल फ्लो या प्रेफर्ड जो फ्लो है वो लैमिनर है, तय बताए आराम से फ्लो करता जाए, कोई मसला ना। हाँ जो टर्बुलेंट फ्लो है वो गड़बड़ है, वो ये सी वाला जो मामला ना, ये टर्बुलेंट फ्लो है, ये गड़बड़ है। अब ये क्यों गड़बड़ है, गड़बड़ पहली बात ये है कि हम क्या चाहते, क्या है हम चाहते हैं कि भाई पॉइंट, अगर ये पॉइंट वन है और इस वेसल के एंड पे, इस वेसल के एंड पे समझ लो पॉइंट ये टू है, ठीक है, हम ये चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं कि ब्लड फ्लो करे फ्रॉम हियर एंड रीचेस हियर, यही चाहते हैं ना हम, ब्लड को फ्लो कराना चाहते हैं, ऐसा है, सारा ऑब्जेक्टिव ही ये है ना सर्कुलेशन का, कि हमें ब्लड की तरसील करनी है, हमें ब्लड को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंचाना है, ये बात ठीक हो गई। अब आप इस सारे गेम को सामने रखते हुए, इस सीक्वेंस को सामने रखते हुए, अब आप जरा बी पे गौर करो, बी जो है वो ऐसे तरीके से ब्लड को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचा रहा है, ऐसा ही है? क्योंकि देखो ना प्रोग्रेशन हो रही है, वो आगे वो एक बुलेट सा बना हुआ है और वो आगे फ्लो कर रहा है, यस। अब आप जरा सी को देख लो, हाँ बेटे सवेरा कोई बात नहीं, ये रिकॉर्डेड मैं भेज दूंगा। सबसे पहली बात सब बच्चे सुन लें कि मेरी जो जो YouTube वीडियोस हैं जो मैं पहले आपको भेज देता हूँ, 70 साल पहले भेज देता हूँ, उसमें मैं इससे मेरा ख्याल बेहतर एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ, क्योंकि वो डेडिकेटेड होती है, वो पूरा बैकअप होती है, उसमें पूरी प्रिपरेशन होती है, ये लाइव सेशन है, इसमें जाहिर है आप कोई सवाल करते हैं फिर सवाल जो बच्चा सवाल करता है लेक्चर वहां चल पड़ता है, तो ये वाले जो है ना Q&A सेशन, ये Q&A सेशन थोड़े से हैजर्ड होते हैं बाकी बच्चों के लिए, राइट, लेकिन जो मैंने वीडियोज रिकॉर्ड करके रखी हुई वो डेडिकेटेड वीडियोस हैं, वो ए टू बी आपको कंप्लीट पढ़ाती है कॉन्सेप्ट, बच्चों अगर आपने बनाना है तो वो वीडियो बनता है, यहाँ पे ट्रबल शूटिंग होती है इन सेशन, मैंने अब थोड़ा फॉर्मेट चेंज किया तो मैं आपको यहाँ पे ट्रबल शूट करूंगा, यानी ट्रबल शूट से बता दिया कि जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे मैं यहाँ पे वो क्लियर कर दूंगा उन्हीं स्लाइड पे जो स्लाइड आपने वीडियो में देखी, और इसीलिए यूट्यूब लाइव इस वक्त क्या कहते हैं आप, क्योंकि अभी डिसिप्लिन नहीं हो, जिस दिन आप वीडियो को प्रॉपरली पढ़ के आओगे उस दिन हम यूट्यूब लाइव भी कर लेंगे, लेकिन इस वक्त मुझे लगता है कि जूम जरूरी है आपके लिए, क्योंकि जूम में मुझे वो स्लाइड दिखाना जरूरी है जो आपने लेक्चर में देखी होनी है, ताकि आपकी जो लर्निंग है ना वो एक तरह से कंफर्म हो जाए। एनीहाउ तो लैमिनर फ्लो जो है वो बॉडी में जरूरी है, नॉर्मली लैमिनर फ्लो ही होता है, और टर्बुलेंट फ्लो गड़बड़ है, उसको नहीं ज्यादा होना चाहिए, थोड़ा बहुत हो जाता है लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्यों ज्यादा नहीं होना चाहिए, चलो बताओ।
नहीं, एथेरोस्क्लेरोसिस तो होता है, मैंने मेंशन किया है। मैं आपसे एक बड़ा जनरल सवाल कर रहा हूं कि लैमिनर फ्लो वर्सेस टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो क्यों नहीं होना चाहिए? एक तो मैंने वजह आपको बता दी कि वो जो आपका हदफ है, वो हदफ जो है वो लेट अचीव होगा, वो ब्लड सैरे करता हुआ गोल गोल घूमता हुआ इधर ही घूमता रहेगा, फिर इवेंचुअली वो पॉइंट बी तक पहुंचेगा, तो ये कोई एफिशिएंट बात नहीं है। बिल्कुल उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, वो गोल गोल अपने आप से लड़ता ही रहेगा, वो उसने पहुंचना इधर है वो इधर ही पहुंच के घूमता रहेगा, जैसे आप लोग घूमते रहते हो एमलेसली, है। तो टर्बुलेंट फ्लो जो है ना वो इरेगुलर है, बिल्कुल वो इनएफिशिएंट है। लेकिन एक और चीज है, एक और खतरा है, बाकायदा खतरा है। हाँ जी बेटा, वेलोसिटी हो गई, अब आगे चलो। एक खतरा है टर्बुलेंस में जो बॉडी के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है, वो बताओ। हाँ ये मलाहत जहरा, यस, ये क्या बच्चे ने बात की, क्लॉटिंग, अमीर हमजा अरबाब शहजादी, यस, ये जो क्लॉटिंग कहां से आगे बैठी, सही है, हो गई बात डन। अब मुझे आप बताएं, क्योंकि आपने ब्लड नहीं पढ़ा हुआ तो चलो कुछ बात जहन में आती है कि क्लॉटिंग किधर से आगे, क्लॉट का तो हमने जिक्र ही कोई नहीं किया, ब्लड क्लॉट क्यों करेगा, क्लॉट तो जब जख्मी हो जाते हैं आप, ब्लड बार बार आ जाता है तब होती है ना क्लॉटिंग, ये टर्बुलेंस में कैसे हो गई क्लॉटिंग? सवाल समझ में आया? अब आप जाहिर है ये इस सवाल का जवाब आपको नहीं पता, अब मैं बताने लगा हूँ, गौर से सुन लो। ये आपने करना है ब्लड में, ब्लड जब यूनिट शुरू होगा ना उसमें ब्लड क्लॉटिंग के जो यूनिट चैप्टर है उसमें आपको पढ़ाया जाएगा कि ब्लड अगर उसकी तरसील जो है वो नॉर्मली और फ्लो में ना रहे, ब्लड अगर फ्लो में ना रहे, एक बात, और नंबर टू, ब्लड वेसल्स के अंदर जो उसकी जो सरफेस है, ब्लड वेसल की जो सरफेस है अंदरूनी, वो इंतहाई चमकीली और इंतहाई स्मूथ होती है। अगर वहां पे उसकी स्मूथनेस में कोई फर्क आ जाए, यानी एथेरोस्क्लेरोसिस हो गई, तो वो खुरदरा हो जाएगा ना, वो उस जगह पे खुरदरा हो जाएगा। तो अगर ब्लड वेसल, बेटे माइक को बंद करें जिसका कभी खुला हुआ है, अगर वो अंदर से खुरदरा है, यस किसी का माइक बचेगा बोला कह रहे, पार्टिसिपेंट्स किधर गए, किस बच्चे का तोता बोल रहा है लगातार है, चलो बंद कर दो, गुड थैंक यू। तो बात मैं कर रहा था, मैं क्या कह रहा था, हाँ, तो अंदर वेसल अगर स्मूथ है और ब्लड जो है वो लैमिनर फ्लो में है तब कोई मसला नहीं होगा, लेकिन अगर किसी भी वजह से ब्लड जो है वो टर्बुलेंट है, जिसकी सबसे बड़ी वजह होती है कि अगर अंदर सरफेस स्मूथ ना रहे, तो अगर वहां पे कोई घोमड़ा सा बन जाए या कोई स्वेलिंग हो जाए जो ऊपर से खुरदरी हो जाए, अब ब्लड क्या करेगा, ब्लड तो अपना घूमता घुमाता सैरें करता हुआ आ रहा है, अब जैसे ही वो यहां से गुजरेगा खुरदरेपन से, ये क्या करेगा, वो वहां पर उसको रेजिस्टेंस मिलेगी, वहां पर जो उसकी जो लेयर्स हैं, द लेयर्स ऑफ ब्लड जो कि खुरदरेपन के पास आके हिट कर रही होंगी, उनमें एक इर्तआश आएगा, उनमें एक डिस्टर्बेंस आएगा। तो आप वो समझे ना कि आप एक ट्रैफिक चल रही है, तीनों लेन्स ऑफ ट्रैफिक में गाड़ियां आगे जा रही हैं, अब थर्ड लेन में खुदा ना खास्ता एक एक्सीडेंट अचानक होता है, तो थर्ड लेन की गाड़ियां आगे गाड़ियों को रुकते हुए देख के फौरन बीच वाली लेन में जाने की कोशिश करती है। अब बीच वाली लेन में डिस्टर्बेंस तो नहीं हुई थी, डिस्टर्बेंस तो थर्ड लेन में हुई थी, लेकिन क्या होगा, ये थर्ड लेन वाली गाड़ियों की इस अजीबोगरीब बोंगी की वजह से सेकंड लेन वाली गाड़ियां भी डिस्टर्ब होंगी। सेकंड लेन वाली गाड़ियां जब देखेंगी कि इधर से कोई गाड़ी आ रही है लेफ्ट साइड से, तो वो राइट साइड मुड़ने की कोशिश करेंगी, तो तीसरी लेन भी इन्वॉल्व हो जाएगी। समझ में आ रही बात, इस तरह सारी जो ट्रैफिक है वो बिगड़ जाएगी। किस चीज से? थर्ड लेन में एक जगह डिस्टर्बेंस हुई थी, एक बंदे ने अचानक एक्सीडेंट हुआ था उसका, लेकिन आप देखो कि जैसे एक्सीडेंट हुआ तीनों लेन्स
डिस्टर्ब हो। बिल्कुल इसी तरह अगर एथेरोस्क्लेरोसिस का एक घोंगड़ा या एक स्वेलिंग या एक प्लैक एक जगह नुमाया हो जाए और ऊपर से खुरदरा हो, तो ब्लड जहां वहां से गुजरने वाला जो ब्लड है पहले वो डिस्टर्ब होगा, पहले उसमें टर्बुलेंस आएगी। ठीक है, बिल्कुल एक्चुअली ऐसे होगा जैसे यहाँ दिखाया हुआ, ये देखो ये दिखाया हुआ है ना, ये एक्चुअली यहाँ पे आप समझो ये इधर वॉल में एथेरोस्क्लेरोसिस टाइप कुछ है। ठीक है, या ये जख्मी हो गया, ये टूट गया वैसे यहाँ से, यहाँ पे कोई ऐसी खुरदरी सी स्वेलिंग है जो इस ब्लड के साथ वही कर रही है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर। तो यहाँ पे ब्लड जो है वो डिस्टर्ब होगा और वो बहुत ज्यादा आगे नहीं जा पाएगा, वहीं पे घूमना शुरू कर देगा। ठीक है, ये बात ही है ना ब्लड में पड़े। तो यहाँ पे क्लॉट बनने का बहुत बड़ा एक चांस है और क्लॉट जो है वो जानलेवा साबित हो सकता है। क्यों? यूं कि अगर तो ये कोई पेरिफेरल आर्टरी है या छोटा वेसल है पेरिफेरल, तब तो ठीक है, कोई नहीं, खैर है, क्लॉट बन भी जाए तो थोड़ी देर बाद इस क्लॉट को एंटीकोगुलेंट्स आके वहां पे रिलीज होते हैं और वो उसको डिसॉल्व कर देते हैं। हाउएवर ये जानलेवा उसको साबित हो सकता है जब इस क्लॉट का एक हिस्सा मैं क्लॉट बनाने लगा हूं। सर तो ये क्लॉट है, अच्छा क्या है सर, बॉल इंजर्ड होने की वजह से क्लॉट हो? हाँ जी, इंजरी की वजह से भी होती है और अगर एथेरोस्क्लेरोसिस वॉल के अंदर हो रही हो तो भी होती है। ये देखो अब तुम वो ब्लड मुझे लगता है थोड़ा सा काम करेगा, ये वेसल है, ये वेसल बॉल है, ठीक हो गया। जो एथेरोस्क्लेरोसिस होती है ना बच्चों, आप वो समझें कि वो कैसे बनाए, वो इसके अंदर वॉल के अंदर एक डिस्टरबेंस पैदा हो जाती है, यानी फैट जो है डिपॉजिट वॉल के अंदर जमा होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वॉल जो है वो अब कुछ इस तरह से बन जाती है ऐसे, और एक खुरदरी होती है। देखो मैंने पहले लाइन बनाई थी स्मूथ, अब मैंने जानबूझ के खुरदरी लाइन बनाई है। क्यों? क्योंकि ये वॉल जो है इसके पीछे एक घोंगड़ा बन रहा है फैट का, ये सारा, यस ये सारा घोंगड़ा बन रहा है, ये देखो पूरा घोंगड़ा बन रहा है। तो ये घोंगड़ा सिमेट्री में थोड़ी बन रहा है, ये तो कहीं पे डींगा होगा, कहीं पे इसकी आउट पॉकेटिंग होगी, मतलब ये एक रफ इसकी सरफेस होगी। तो जब रफ सरफेस होगी तो इसके ऊपर जो एंडोथेलियम की लेयर थी बेचारी चमकती हुई और नई नई, वो कहीं से ब्रेक होगी, कहीं से वो फट जाएगी, टूट जाएगी, तो घोंगड़े साहब यहां से झांक रहे होंगे, ये नहीं वेसल के अंदर झांक रहे होंगे। अब आई बात समझ में कि जब अब ब्लड आएगा तो जब वो यहां पे आएगा उसको सरफेस स्मूथ नहीं मिलेगी, यहाँ पे सरफेस उसको स्मूथ अब नहीं मिलेगी, उसको खुरदरा पर मिलेगा, तो फिर ही गड़बड़ होनी शुरू, अब समझ में आ रही होगी। ठीक है, ओके, तो बात हो रही थी, हाँ ये क्लॉट बेटे मैंने बनाने की कोशिश की है। ठीक है, अब आप ये देखो कि ये क्लॉट अगर इधर बन रहा है तो चलो इधर तो बनेगा, थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह वो डिसॉल्व हो जाएगा। हाउएवर जानलेवा मैं बात कर रहा था, जानलेवा वो सब होगा जब इसका एक पीस, समझो इतना पीस कट जाए, ये पीस कट जाए। ठीक है, अब क्या होगा जब इतना पीस कट जाएगा, ये वाला जो मैं इसको रेड कर रहा हूं, ठीक है, ये कट के अब बहना, अगर ये बहना शुरू हो जाए, ठीक है, ये ब्लड फ्लो में ये आजाद हो जाए, क्लॉट तो यहां पे चलो चिपका हुआ था ना, लेकिन ये जो पीस इसका ब्रेक हुआ है, ये वाला पीस जो ब्रेक हुआ है, ये तो छोटा है ना, ये तो अब आगे चला जाएगा फ्लो में, ये फ्लो में चला गया आगे, तो अगर इसने कोई कॉरोनरी आर्टरी बहता बहता जब वापस जाएगा पेन से दोबारा हार्ट में जाएगा, अब हार्ट में अगर ये भाई साहब किसी कॉर्नर में जाके फंस गए तो हार्ट अटैक हो गया, यस, या अगर ये पीस सेरिब्रल वेस्कुलेचर यानी ब्रेन को जो वेसल जाते हैं वहां जाके कहीं फंस फूस गया है, तो वहां पे फॉलेज हो जाएगा, स्ट्रोक हो जाएगा। आई बात समझ, ये है प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ऑफ क्लॉटिंग। ठीक है, तो क्लॉट जो है वो खतरनाक चीज है, इसलिए हम कहते हैं कि टर्बुलेंट फ्लो खतरनाक चीज है, टर्बुलेंट फ्लो जो है वो क्लॉटिंग करा देता है और काफी मसला क्रिएट कर देता है। ठीक है, अब मेरे पास इसका टाइम नहीं है सारे को एक्सप्लेन करने का, ये आपको मैंने बहुत डिटेल्स एक्सप्लेन किया वीडियो में, इसलिए आई विल नाउ गो फॉरवर्ड्स, लेकिन प्लीज इसको देख लेना। रेनॉल्ड्स नंबर एक नंबर है, ये उसका फॉर्मूला है, रेनॉल्ड्स नंबर अगर 2000 से ऊपर हो, यानी इन सब की वैल्यूज डाल के अगर 2000 से ऊपर वैल्यू चली जाए तो समझ लीजिए कि टेबलेट्स काफी ज्यादा है, इस पेशेंट को हेल्प की जरूरत। अच्छा, ये बात हमने अगेन, मैंने इसके बारे में भी काफी डिटेल से बात की है बच्चों,
तो मेहरबानी करें अपने ऊपर और इसको पढ़ लीजिएगा. फोर्थ पावर लॉ इज इम्पोर्टेंट. फोर्थ पावर लॉ, बात हम सिर्फ रेजिस्टेंस की कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस में और फ्लो या कंडक्टेंस बात सेम है, या कंडक्टेंस कह लें या फ्लो कह लें, इट्स द सेम थिंग. इन दोनों में इनवर्स प्रोपोर्शन, ये बात हमें अगर अब तो क्लियर हो जानी चाहिए कि रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो कंडक्टेंस या फ्लो कम होगा. ये बात अब भी बच्चों वाली बात है, ठीक है. हमने सिर्फ यहाँ पे उसको क्वांटिफाई कर दिया. ये फिर आप वो लेक्चर देख लेना या मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, बड़ी क्लियर डिस्कशन है, सिंपल डिस्कशन है. और फिर मैं बात कर रहा हूँ फोर्थ पावर लॉ की. फोर्थ पावर लॉ बहुत सिंपल है और फोर्थ पावर लॉ बेसिकली ये है कि अगर प्रेशर को कॉन्स्टेंट रखा जाए, यानी पुश जो है पीछे उसको कॉन्स्टेंट रखा जाए, से 100 mg का 100 mmHg का प्रेशर है इन तीनों वेसल, सॉरी इस वेसल, पहले हमने ये वेसल पकड़ी, उस पर 100 mmHg का प्रेशर डेल्टा पी अप्लाई किया और उसका डायमीटर से इज 1, तो फ्लो ब्लड फ्लो जो है वो हम कहते हैं 1 मिनट में 1 ml इस पे इस जगह से लेकर इस जगह फ्लो कर रहा है. ये जो निकल रहा है यहाँ से ऐसे करके, ये जो ब्लड फ्लो निकल रहा है ये 1 ml/min पे निकल रहा है. अगर हम यहां से लेकर यहां तक डेल्टा पी ऑफ 100 अप्लाई करें और डायमीटर हम 1 पे रखें, बात समझ में आ गई? जल्दी से समझ में आई बात या नहीं? अब हमने करना ये है, वो अवैस किए जा रहा है. यस सर, यस सर. और अरीज और अवैस बाकी सोए में सर. बेटे आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है कि आप लोग चुप हो जाते हो तो मुझे समझ नहीं आता, इसलिए सबसे ज्यादा मिस जो कर रहा हूँ ना लाइव क्लास, वो एक्चुअली मैं कर रहा हूँ. मैं आपके चेहरे जो मुबारक चेहरे हैं ना पुर नूर, उनको देख के मुझे अंदाजा होता है कि आप इस वक्त किस ख्यालात में बैठे हैं. आप पता नहीं गुम हुए हुए हैं, कुछ और सोच रहे हैं, ठीक है. वो मुझे उस वक्त लाइव पता लग जाता है, लेकिन आप क्योंकि मैं देख नहीं सकता, इसलिए आई एम टोटली डिपेंडेंट ऑन योर वर्ड्स, ठीक है ना. चलो अगर समझ में आ गया, आई होप समझ में आ गया. अब आपने करना ये है कि आपने ना प्रेशर को छेड़ना है मेरा बेटा, ना लेंथ ऑफ द वेसल को छेड़ना है, आपने सिर्फ एक हरकत करनी है, आपने इसका डायमीटर चेंज कर. ये वीडियो आपको YouTube पे मिल जाएगी, जब मैं लेक्चर खत्म करूंगा तो मैं अपलोड कर दूंगा और साथ ही लिंक आपको भेज दूंगा. मैं रोज ये करता हूँ, या सिर्फ ये रोज होता है, हमेशा जब भी मैं लेक्चर करता हूँ रिकॉर्ड, ये आपके साथ डिस्कस करता हूँ, वो रिकॉर्डेड लेक्चर की मैं लिंक भेज देता हूँ व्हाट्सएप पे, ठीक है. जस्ट चेक योर व्हाट्सएप पे प्लीज. सो ये देखो, हमने डायमीटर को 1 से कर दिया 2, हमने डबल कर दिया डायमीटर, ठीक है. हमने जब डायमीटर डबल किया ना, तो आपके ख्याल में ओके, कोई मसला बेटा, मैं मोस्ट वेलकम. अब डायमीटर हमने डबल कर दिया, यानी इसको दुगना कर दिया, लेकिन ये जरा चेक कर, ब्लड फ्लो 4 गुना ऊपर गया, ठीक है. इसी तरह डायमीटर को आपने 2 से 4 कर दिया, लेकिन फ्लो चेक करें जरा, 2-4 गुना बढ़ गए, 16 से 256 हो गए, ठीक है. इसे कहते हैं फोर्थ पावर लॉ. और ये अब आपको समझ में आ रही है बात कि वेजो, सुन लो ये गौर से, वेजो कंस्ट्रिक्शन और वेजो डायलेशन कितनी पावरफुल चीज है, और स्ट्रॉन्ग सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन कितनी पावरफुल चीज हो सकती है. इससे आपको अंदाजा होगा कि आप उसको डायमीटर को सिर्फ 1 डिग्री छेड़ोगे ना, तो फ्लो जो है वो बहुत डिग्री छेड़ जाएगा. अच्छा, ये फिर अब मुझे वार्निंग आ गई है जूम की, ठीक है. अब इसको हम फटाफट इसको रैप अप करते हैं, आगे चलते हैं. ओहम्स लॉ में वो सारी मैंने डिटेल डिस्कस की भी है, ठीक है. ओहम लॉ इज बेसिकली फ्लो इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर रेजिस्टेंस. ये वही बातें हैं जो मैं बार बार कर रहा हूँ. अगर डेल्टा पी बढ़ाएंगे फ्लो बढ़ेगा, अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फ्लो कम होगा. उसको हमने अब नाम दे दिया, उसका नाम ओम्स लॉ है, ठीक है. ये ओम्स लॉ, ठीक है. अब इससे पहले कि बेटे डिस्कनेक्ट हो, मैं फटाफट इसको रैप अप करूंगा. जो पॉइज़नीज लॉ है वो ये, ठीक है. ये पॉइज़नीज लॉ है. पॉइज़नीज लॉ क्या कहता है? पॉइज़नीज लॉ एक्चुअली, ये बात पता नहीं मैंने उसमें बोली या नहीं बोली, पॉइज़नीज लॉ इज डिराइव्ड फ्रॉम ओम्स लॉ, और रादर ओम्स लॉ इज डिराइव्ड फ्रॉम पॉइज़नीज लॉ.
ओके, ओम्स लॉ और पॉइज़न लॉ कनेक्टेड है, इसमें आप देख सकते हैं कि दोनों में डेल्टा पी है, ओके, लेकिन पॉइज़न लॉ वाला थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड है, थोड़ा सा डिटेल्ड है, क्या क्या है इसमें, इसमें डेल्टा पी भी है, इसमें रेडियस भी है, दोनों चीजें और प्रो फ्लो, फ्लो को बढ़ाती हैं, अभी डिस्कस किया है। अब आप बटे के नीचे आ जाए तो बटे के नीचे क्या क्या है, विस्कोसिटी है, ये जो ये वाला साइन है ना, ये विस्कोसिटी का साइन होता है, और ये लेंथ है, लेंथ ऑफ द वेसल। अब क्या बात हो रही है, विस्कोसिटी अगर आप बढ़ाएंगे ठीक है तो फ्लो कम होगा, ठीक है, जितनी विस्कोसिटी, किसी बच्चे ने बात भी की थी, अगर थिक हो जाएगा ब्लड तो वो ज्यादा, बड़ी अच्छी बात की ना, किसी बच्चे ने बात की थी अभी कि अगर आप, मैंने कहा भी था कि उसको सवाल को बचा के रखना, अगर आप एक डाइल्यूट किस्म का फ्लूइड किसी ट्यूब में दौड़ाएंगे उसकी फ्लो ज्यादा होगी क्योंकि वो डाइल्यूट है और उसमें टर्बुलेंस भी कम होगी, ठीक है, हाँ आपने किया था दीजिए। और अगर आप इसी ट्यूब में एक थिक, एक ज्यादा विस्कोसिटी वाला जो है वो करेंगे तो उसका अपना फ्लो डायनामिक्स होगा। एनी हाउ, सो अगेन प्लीज रिफर टू माई वीडियो, ये जो विस्कोसिटी है इसका फ्लो के साथ इनवर्स प्रोपोर्शन है, जितनी विस्कोसिटी ज्यादा होगी फ्लो उतना कम होगा, उसको ज्यादा पुश की जरूरत होगी, ये ऑब्वियस ही बात है। लेंथ, जितनी लेंथ ज्यादा होगी उतना फ्लो कम होगा, हमने ये पहला रूल पढ़ा था कि जैसे जैसे आगे आगे चीज जाती है उसी तरह से वो उसका फ्लो कम होता है, पहला रैंडमाइज्ड रूल पढ़ा था। तो पॉइज़न्स लॉ में बेसिकली वो सारी बातें एक्सप्लेन हो जाती हैं जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे होते हैं फ्लो, यस, ये बात हो। तो अगेन इसको जब आप वीडियो के साथ मिला के पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये मिल्क शेक की मैंने एग्जांपल क्यों दी और वो उसका एग्जांपल क्यों। आखिरी बात जनाब आ जाती है, वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन, इधर क्या है, वेलोसिटी, जो फ्लो वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है फ्लो रेट पे और क्रॉस सेक्शन एरिया पे। मैंने इसमें बड़ी अच्छी सी एग्जाम्पल दी है, नहर में पानी बह रहा है ठीक है, और पानी पे एक सूखा हुआ पत्ता है, खिजां का मौसम है और सूखा हुआ पत्ता उसके ऊपर बह रहा है पानी। बेटे विस्कोसिटी फ्लूइड की होती है, रेजिस्टेंस वेसल से आती है। वैसे सवाल इंपॉर्टेंट है, बाकी भी सुन लें अच्छी तरह। विस्कोसिटी से हमारी मुराद है वो सारे अवामिल जो फ्लूइड की नेचर की वजह से फ्लो को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, कि फ्लूइड की नेचर ही ऐसी, जैसे पानी, शहद और मोटर ऑयल, इन तीनों में फर्क है ना, क्या फर्क है इन तीनों में, विस्कोसिटी का फर्क है, वैसे तो ऑयल फर्क है, मैं विस्कोसिटी की बात कर रहा हूं ठीक है। तो नेचर ऑफ फ्लूइड जो है वो या विस्कस होगा या कम विस्कस होगा, वो भी फ्लो को इफेक्ट कर सकती है। बात रेजिस्टेंस से हमारी क्या मुराद है, रेजिस्टेंस से हमारी मुराद ये है कि जो वेसल है, वेसल की वॉल है, उसका डायमीटर भी फ्लो को इफेक्ट कर सकता है। दोनों चीजें इफेक्ट कर सकती है, लेकिन दोनों चीजें डिफरेंट है। विस्कोसिटी फ्लूइड की नेचर से रिलेटेड है, रेजिस्टेंस डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल से रिलेटेड है। बात समझ आ रही, ओके गुड। अब फाइनल पॉइंट, जल्दी जल्दी मैं बात कर रहा था, नहर है उसमें पानी बह रहा है, उसके ऊपर एक सूखा पत्ता फ्लोट करता हुआ जा रहा है ठीक है। नहर अचानक नैरो हो जाती है क्योंकि ट्री गिरा है नहर में, और नहर का जो डायमीटर है वहां पे जो चौड़ाई है वो आधी हो गई है उस पॉइंट पे। उस पॉइंट पे आप मुझको कोई बताएगा कि उस पॉइंट पे जो नहर की रफ्तार है वो कम होगी या ज्यादा होगी? ज्यादा होगी, ज्यादा होगी, ये बात तो आप मुशायदे से ही बता सकते हैं। टर्बुलेंस, शाबाश, रीच बेटे ज्यादा होगी ना, हम बात कर रहे हैं एक्चुअली, हम ये स्लाइड हम डिस्कस कर रहे हैं कि वेलोसिटी बढ़ती है जब आप क्रॉस सेक्शन एरिया कम करते हैं। अगर आप एक चौड़ी सी नदी को या दरिया को या जो जिस चीज को भी, उसको अचानक एक नैरो जगह से गुजारोगे तो वो नैरो जगह पे उस पानी की स्पीड ज्यादा हो जाएगी, बिकॉज उसका क्रॉस सेक्शन एरिया आपने कर दिया है कम, एंड यस वहां पर टर्बुलेंस भी ज्यादा होगी क्योंकि वो सारा पानी उस एक नैरो सी जगह पे से गुजरना चाह रहा है, तो वो आपस में लड़ेगा, उस पर ठाटा करेगा। शोर भी इसलिए होता है, बाय द वे आप नहर पे जब कभी चहलकदमी करने जाएं तो आपको, वैसे नहर खामोश होती है, जहां पे कोई टहनी शहनी या कोई दरख्त का पीस गिरा होता है या जहां पे कोई ईंटें अंदर गिरी होती हैं या नहर ही नैरो हुई होती है, वहां पे वो शड़शड़ की आवाज आती है। वो जो आवाज होती है वो टर्बुलेंस की आवाज होती है, क्यों? क्योंकि वो नैरो जगह से गुजरती है। आप बात समझ में आ रही, लेकिन वहां पे उसकी वेलोसिटी तेज होती है, ये बात कहने की।
यानी वेलोसिटी, ये वेलोसिटी, ये क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करती है. क्रॉस सेक्शन एरिया जब आप छोटा कर देंगे वेलोसिटी बढ़ जाएगी. हाँ, उसमें टर्बुलेंस की जो क्या कहना चाहिए, एक अबिल वो है हाथ, वो कॉन्सिक्वेंस वो भी बढ़ जाएगा. यस दैट इज ट्रू. तो पत्ते की एग्जाम्पल मैं खत्म करूंगा कि जब फ्लो नॉर्मल था, आराम से आ रहा था, और वो जनाब पत्ता जो है ज्यादा हिल नहीं रहा था, लेकिन जैसे ही ऐसे एरिया से वो गुजरेगा जहां पे ये नहर कंस्ट्रिक्ट होगी, वहां पे पत्ता फड़फड़ाना शुरू कर देगा और तेज हो जाएगा. तेज आप साफ देखेंगे पत्ते को कि वो उसका उसकी जो मूवमेंट है, रफ्तार है, वो तेज हो गई है. लेकिन उसके बाद जैसे ही वो जगह खत्म होगी और नहर अचानक बहुत बड़े मैदान में खुल जाएगी. इंसान के तौर पर नहर आ रही थी पीछे से, कंस्ट्रिक्ट हुई, और कंस्ट्रक्शन के बाद नहर खत्म हो गई और वो बड़ा सा एक मैदान सा आ गया. अब वहां पे जो फ्लो की जो रफ्तार है वो कैसी होगी, कम होगी, ज्यादा होगी? बहुत कम हो जाएगी, बिल्कुल ही ड्रॉप डेड डेड हो जाएगा, कम हो जाएगी ना. तो पत्ता शरीर जो है वो हिलना बिल्कुल ही बंद कर देंगे, बेचारे बिल्कुल ही मर मुर जाए. यस, क्रॉस सेक्शन एरिया जब बढ़ाते हैं तो फ्लो जो वेलोसिटी है फ्लो की वो कम हो जाती है. जब क्रॉस सेक्शन एरिया कम करते हैं तो फ्लो की वेलोसिटी बढ़ जाती है. ठीक है, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ब्लड में, ब्लड वेसल्स में सर्कुलेशन में ये है कि जब आप वेसो कंस्ट्रक्शन करते हैं तो फ्लो वेलोसिटी बढ़ जाती है. वॉल्यूम कम बेशक होता है लेकिन वेलोसिटी ब्लड की बढ़ जाती है. ठीक है, दैट वाज टुडेज लेक्चर. Please come prepared tomorrow. No, not tomorrow. In the next lecture, मैं वीडियो आज ही अपलोड कर दूंगा नेक्स्ट वाली, ताकि आपको पहुंच ना. आज आखिरी सवाल सर, नेचर ने ब्लड को ही सिलेक्ट क्यों किया है सर, बेटे ने वाटर और अदर लिक्विड क्यों किया बेटे? हाय, इसका सवाल अच्छा, एक अभी भी आंसर आना चाह रहा है इसका सवाल बेटे. मैं आपसे आपको बाद में दूंगा क्योंकि इस सब बिल्कुल टाइम नहीं है. आप मुझे देखो व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, जल्दी से अटेंडेंस लगा दो प्लीज. अटेंडेंस जो है वो हम भी लगा सकते हैं.